بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما غنى سيصلى نارا ذات لهب وعمرته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد الحمد لله سبحانه الله العظيم वही रब है जिसने तुझको वही रब है जिसने तुझको हम करम बनाया वही रब है जिसने तुझको हम तर करम बनाया हमें भीख मांगने को तेरा आस्ता बताया वही रब है जिसने तुझको वही रब है जिसने तुझको हम तर करम बनाया हमें भी मांगने को तेरा आस्ता बताया तुझे हम देने खुदाया तुझे हम देने खुदाया तुझे हम देने खुदाया तुझे हम देने खुदाया तुझे हम देने तुझे हम खुदाया तुझे हम है खुदाया तुम्हें हम दिवाली ताला के बाद नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
पेश करने से कबल मिलकर आपका इनाम दार मदीने के ताजदार जोर मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपने कुदूस शेर पर दे चबर चा नूर का
बोल तेरा सब भरा नूर का सब है कौन भी
हबशी है दीवाने सरकार के सब है, कौन बिलाल हबशी है इश्क़ नबी में कोड़े खाना, इश्क़ नबी में कोड़े खाना सबके बस की बात नहीं। और हश्र की धूप की शिद्दत में हम जैसे लोगों को प्यारों, हश्र की धूप की शिद्दत में हम जैसे लोगों को प्यारों, जामे कौसर भर के पिलाना, जामे कौसर भर के पिलाना सबके बस की बात नहीं। अर्श पे जाना पल में आना सबके बस की बात नहीं। चारों तरफ नजदी वहा तन्हा रज़ा, चारों तरफ नजदी वहाबी बीच में मेरा तन्हा रज़ा, वैसे मैं मान बचाना, वैसे मैं मान बचाना सबके बस की बात नहीं। रूजे में सागर भरवाना, रूजे में सागर भरवाना सबके बस की बात नहीं। अर्श पे जाना पल में आना सबके बस की बात नहीं। नात नबी का सुनना सुनाना सबके बस की बात नहीं। नात नबी का सुनना सुनाना सबके बस की बात नहीं। कंकरियों से कलमा पढ़ाना, कंकरियों से कलमा पढ़ाना सबके बस की बात नहीं। अर्श पे जाना पल में आना सबके बस की बात नहीं। काफी मानते सुनी तिलावत कुरान मुकद्दस भी हो, क्योंकि पिछले हफ्ते हमें बताया गया था कि मस्जिद के आदाब के बाद हम
नमाज का तरीका है, नमाज के फजाइल, नमाज की अहमियत क्या है, इंशाअल्लाह तबारक तआला उस पर गुफ्तगू की जाती है। क्योंकि हमने शुरू से आपने सुना होगा, जो शुरू से आ गए उनको पता है कि पहले हमने वज़ू का तरीका सीखा, वज़ू के फराइज़, वज़ू की सुन्नतें, वो सारी चीज़ें हमने सीखी। उसके बाद मरहला आता है, नेक्स्ट स्टेप होता है वज़ू। तो वज़ू भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल तरीके से जानने की कोशिश की। उसके बाद वज़ू करने के बाद हम जाते हैं मस्जिद। तो मस्जिद के हवाले से भी हमने काफ़ी बातें सुनी। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुकद्दस में मस्जिद के हवाले से क्या इरशाद फरमाता है, और हुज़ूर अकरम अलैहिस्सलाम मस्जिद के हवाले से हदीस पाक में क्या इरशाद फरमाते हैं, और बुजुर्ग अलीगन के अकवाल भी मैंने आपके सामने बयान किया है। तो उम्मीद है कि आप तमाम लोगों को सारी चीज़ें याद हैं इल्ला माशाअल्लाह। तो मेरे प्यारे आप अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवान, इंशाअल्लाह तबारक व तआला अब्दुल्ला की सिफात में नमाज के हवाले से कुछ बातें आपके सामने पेश करूँ। तो आइए से कबल बरकत में किसी का बुद्धा शरीफ के चंद शायर पढ़ के इंशाअल्लाह मजीद बताएगा। Sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Mulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kulli. Mawlaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairul khalqi kullihim. Wal habibul ladhi turja shafa'atuhu, wal habibul ladhi turja shafa'atuhu fi kulli Mawlaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairul khalqi kullihim. Muhammadun sayyidul kaunaini wa saqalaini, Muhammadun sayyidul kaunaini wa saqalaini, wal fariqaini min urdin wa min ajami. Mawlaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairul khalqi kullihim. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ya akramal khalqi mali man adudu bihi, ya akramal khalqi mali man adudu bihi, siwa karim tahudu lil hadithil amami. Mawlaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairul khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana, ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana, ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana, waghfir lana ma mada ya al-karami. Mawlaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairul khalqi kullihim. Subhanallah, 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 subhanallah. अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुकद्दस में यानी 21वें पारे में इरशाद फरमाता है, इन्नस सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर,
यानी नमाज को कायम करो, बेशक नमाज बुरी बातों से मना फरमाती है, बुरी बातों और बेहयाई से मना फरमाती है। तो मेरे प्यारे आकर सलातो सलाम के प्यारे दीवानों, सबसे पहले ये ताकीद की गई कि अकीमुस सलात यानी नमाज को कायम करो। आप कुरान में तलाश करेंगे तो आपको एक आयत भी नहीं मिलेगी कि नमाज पढ़ो। हर बार यही हुक्म दिया, हर बार हफ्ता के 700 मर्तबा अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुकद्दस में यही हुक्म दिया कि नमाज को कायम करो। कायम से मुराद है उसको कंटिन्यू करो, यानी डोंट मिस, उसको हमें पढ़ते रहना है। नमाज पढ़ने से मुराद सिर्फ कोई एक वक्त ही पढ़ता है, कोई दो वक्त ही पढ़ता है, इसको नमाज कायम करना नहीं कहते। नमाज कायम करना इसको कहते हैं जो पांच वक्त के दिन में पढ़ता है। अगर कोई पांच वक्त की नमाज दिन में पढ़ता है तो गोया उसने नमाज को कायम किया। तो मेरे प्यारे आकाली सलातो सलाम के प्यारे जवानों, अल्लाह तबारक व तआला ने 700 मरतबा कुरान में ये अहकाम हमें जारी किए कि नमाज को कायम करें। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर कोई एक वक्त की भी नमाज जानबूझकर तर्क करता है तो गोया उसने अल्लाह तबारक व तआला की 700 मरतबा दिन में नाफरमानी की। कितनी मरतबा? 700 मरतबा अल्लाह तबारक व तआला की उसने नाफरमानी की। और नाफरमानी हम करते हैं और जुमा की नमाज में आकर अल्लाह से बरकत की दुआएं करते हैं, क्या हम उम्मीद लगा सकते हैं कि अल्लाह ताला बरकत देगा हमारे रिस्क में? फिर भी इसके बावजूद जबकि हमने 700 मरतबा नाफरमानी की तब भी अल्लाह तबारक व तआला वही रिस्क हमें अता फरमाता है, कभी खाने में कभी पेशी नहीं होती। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हमें चाहिए कि जबकि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें हुक्म दिया नमाज का, नमाज कायम करने का, तो हमें नमाज को कायम करना चाहिए। आइए हदीस पाक में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या इरशाद फरमाते हैं नमाज के हवाले से। कुर्रतु आइन की सलाम यानी नमाज मेरी आंखों की, बोलो ठंडक। नमाज क्या है? तो हमें चाहिए कि सच्चा पक्का उम्मती होने के नाते अपने नबी करीम अलैहिस्सलाम सलाम की आंखों को ठंडक पहुंचाने की कोशिश करें। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे जवानों, नमाज अल्लाह तबारक व तआला ने हम पर फर्ज करा था। नमाज क्या है हम पर? फर्ज से मुराद कुरान में आई बात होती है उसको फर्ज कहा जाता है, यानी अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म को फर्ज कहा जाता है। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु सलाम के प्यारे दीवानों, दूसरी उम्मतों पर भी नमाज फर्ज थी, बस उनका तरीकेकार अलग था, लेकिन मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु सलाम के प्यारे दीवानों, हम पर भी अल्लाह तबारक व तआला ने नमाजों को फर्ज करार दिया, जैसा कि पिछली उम्मतों को नमाज पढ़ने का हुक्म दिया गया था। तो ऐ रसूल अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, जैसा कि आप जानते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने 50 वक्त की नमाज का तोहफा मेरा आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दिया। कितने वक्त का? 50 वक्त का। वो तो आप वाकई जानते होंगे कि मेरा आका जब मेराज तशरीफ ले गए तो पांच पांच करके कम कराकर हम पर रहम किया कि पांच वक्त की नमाज हम पढ़े, पांच वक्त की नमाज हम पढ़ सके। तो ये भी हजरत इब्राहिम अलैहि इरशाद फरमाते हैं, हजरत मूसा अलैहि सलाम इरशाद फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह ये पांच वक्त की नमाज भी आपकी अनुमति नहीं पड़ेगी। क्या नहीं हो रहा है? आप देखिए नमाज का वक्त होता है, टहलते हैं, इधर उधर खेलते कूदते हैं, गेम में बिजी रहते हैं, क्रिकेट में मुब्तला रहते हैं, बहुत सारी चीजों में हम मसरूफ हो जाते हैं, नमाज का हमें ख्याल नहीं आता। मेरे प्यारे आका अलैहि सलाम के प्यारे दीवानों, हजरत मारूफ करती, मारूफ करती नाम सुना है आपने, सिलसिला काजिया के अजीम बुजुर्ग थे, देखिए नमाज की बरकत में आपको बता दूं, नमाज का तरीका, नमाज के फजाइल इंशाअल्लाह तबारक तआला बाद में मैं बयान करूंगा, उसके पहले आप ये जानें कि नमाज में अल्लाह तबारक तआला ने कितनी बरकतें रखी हैं, ताकि आपको नमाज पढ़ने का और शौक और शौक पैदा हो। माशाल्लाह नमाजी तो है, लेकिन इसके जानने के बाद और आपके दिलों में शौक पैदा होगा, इसलिए मैं एक वाकया आपको सुनाता हूँ। हजरत मारूफ करके रहमतुल्लाह ताला ने आज ही मैंने वाकया पढ़ा, वल्लाह अज़ीम अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, जब मैं वाकया पढ़ा मैंने तो मेरी आंखें नम हो गई, इतना प्यारा वाकया था। तो मैं इसके बारे में इशारा फरमा रहा था, याद है नमाज के बारे में, तो कौन से बुजुर्ग का वाक्य मैं बोलने वाला था? हजरत मारूफ करती नाम को याद रखे। वो फरमाते हैं, एक मरतबा मैं घर पे बैठा हुआ था, एक शख्स आया मेरे पास, अर्ज करने लगा कि हुजूर आज रात मेरे साथ एक अजीम वाक्य पेश आया। तो आप पूछने लगते हैं, बताओ कौन सा वाक्य है?
तो आप उनका जो मुरीद था वो कहने लगा कि हुजूर जब हमें शौक पैदा हुआ कि कुछ मछली हम खाएं तो मैंने सोचा कि बाजार जाऊं कुछ मछली लेकर आता हूं ताकि घर वाले मिल बैठ कर हम मछली खाते हैं। तो मैंने ये नियत करके जब बाजार गया तो वहां पर मछली मैंने खरीदी, क्योंकि मछली ज्यादा थी तो मैंने एक छोटे से बच्चे को वहां पर मजदूरी के लिए बुला लिया ताकि वो मछली मेरे घर तक पहुंचा दे। जैसे ही मैं मुख्तसर अर्ज कर रहा हूँ चूंकि वक्त भी कम है, जब उस बच्चे को मैंने मजदूरी के तौर पर बुलाया तो बच्चा मेरे साथ होने लगा, मछली के बर्तन को उठाकर मेरे साथ साथ चलने लगा। जैसे ही नमाज जोहर की आजान हुई तो बच्चा फौरन उठ गया, आजान होने का इंतजार किया, आजान होते ही फौरन उस शख्स से कहने लगा कि आप नमाज नहीं पढ़ेंगे। तो शख्स कहने लगा कि गोया उसने मेरे जमीर को झिझोड़ दिया, मुझे उसने सोए हुए को बेदार कर दिया, मुझे ऐसा लगा। तो मैं एकदम डर गया, डर के मारे मैं कहने लगा क्यों नहीं जरूर पढ़ेंगे, चलो नमाज की तरफ चलते हैं। जब एक छोटा सा बच्चा किसी बड़े शख्स को कहता है तो क्या फील होता है आप भी जानते होंगे, छोटा सा बच्चा अगर कोई बड़े शख्स को कहता है चलिए नमाज के लिए, अगर पब्लिक में कह देता है तो कितना गिल्टी फील होता है अगर वो नमाज मांगे। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु सलाम के प्यारे जवाब, इसी तरह से वो बच्चा जब उस शख्स से कहने लगा कि चलिए नमाज पढ़ते हैं तो उनके साथ हो लिया, मछली के बर्तन को मस्जिद के बाहर रखकर मस्जिद के अंदर दाखिल हो गया। वो शख्स खड़े खड़े देखने लगा, तो मेरी मछली है अगर हम बाहर रखे जाते हैं तो हो सकता है कोई चोरी भी कर ले उठाकर यहाँ से ले जाए। फिर दिल ही दिल में ख्याल आता है मछली तो मेरी है लेकिन बर्तन तो इस बच्चे का है, जब ये बच्चा नमाज की फिक्र में नमाज की मोहब्बत में इस बर्तन को छोड़ सकता है तो मछली में क्यों नहीं छोड़ सकता। तो ये सोचकर वो नमाज के लिए चले गए। नमाज में जब सुनते हैं जब फर्ज की अदायगी हुई नमाज पढ़कर वो फारिग हुए तो देखते हैं कि मछली का बर्तन वहीं पे, सुभान अल्लाह। जब वो घर वापस हुए तो वो शख्स अपनी बीवी से कहने लगा कि ऐसा ऐसा माजरा पेश आया, एक छोटे से बच्चे ने मुझे नमाज का ख्याल दिलाया, मुझे नमाज की दावत दी। तो उस शख्स की औरत यानी उसकी बीवी कहने लगी क्यों ना हम उसको मछली की दावत पर दावत देते हैं, हमारे खाने पर उसको दावत देते हैं, आप जाएं उस लड़के को ढूंढ कर लाएं हमारे घर पर दावत हम उसको करते हैं, सुभान अल्लाह। तो शख्स बाहर जाता है उस बच्चे से कहता है क्यों ना आप आज दोपहर का खाना हमारे यहाँ पर बनाओ फरमा दें। तो बच्चा कहने लगा कि हुजूर मैं रोजे से वो ताज्जुब होते हैं रमजान का महीना तो नहीं लेकिन माशाल्लाह ये बच्चा है कि नफिल रोजा भी रखता है, सुभान अल्लाह। तो उसने कहा, वो शख्स कहने लगा ठीक है आप इफ्तारी हमारे घर पर करें, आप इफ्तारी हमारे घर पर करें हम आपको दावत देते हैं। तो बच्चे ने दावत को कबूल कर लिया, उस बच्चे ने दावत को कबूल कर लिया। जब मगरिब का वक्त आया तो शख्स फिर मस्जिद की तरफ जाता, उस बच्चे को कहता कि चलिए इफ्तार का वक्त हो गया इफ्तार कर लेते हैं। तो बच्चे ने कहा क्यों ना ईशा भी पढ़ लेते हैं, अभी थोड़ा ही वक्त बाकी रह गया है क्यों ना ईशा भी पढ़ लेते हैं। ठीक है कह के वो शख्स उस बच्चे के साथ इंतजार करने लगा, ईशा की नमाज का वक्त करीब आया, नमाज हुई, नमाज पढ़ने के बाद जब अपने घर तशरीफ लाता है तो सारा माजरा अपनी बीवी से सुनाता है। तो मेरे प्यारे आकाले सलातो सलाम के प्यारे दीवानों, तो हजरत मारूफ करके रहमतुल्लाहि तआला ने इरशाद फरमाते इसमें अजीब क्या है, इसमें अजीब क्या है। तो कहने लगता है कि हुजूर इसके बाद जो वाकया हुआ ये अजीब है, दरअसल मेरे घर में तीन कमरे हैं। एक कमरे में मैं रहता हूँ, एक कमरे में मेरी छोटी सी बच्ची रहती है 20 साल की, मेरी बेटी रहती है 20 साल की, वो बिल्कुल माजूर है, गोया के गोश्त का टुकड़ा, न हिल सकती है न चल सकती है न बोल सकती है, अल्लाह तबारक व तआला ने उसे माजूर कर दिया। 20 साल से वो एक ही बिस्तर पर पड़ी है, 20 साल से एक ही बिस्तर पर पड़ी है। एक कमरे में मेरी बेटी थी और तीसरा कमरा मैंने उस बच्चे को दे दिया, वो खाना खाकर वहां पर आराम करने लगा। तो ऐसा हुआ कि जब रात का कुछ वक्त बीता, कुछ रात का कुछ लम्हा बीता तो दरवाजे से खटखट की आवाज आने लगी, दरवाजा खटखटाने की आवाज आने लगी। मैंने पूछा कौन, तो दरवाजे के बाहर अंदर से आवाज आती है कि अब्बा हुजूर मैं आपकी बेटी। वो शख्स ताज्जुब हो गया, अल्लाह हू अकबर, मेरी बेटी तुम्हें कोई गलत फहमी हो गई होगी, मेरी बेटी चूंकि 20 साल से बीमार है ना तो चल सकती है ना फिर सकती है ना बोल सकती है, तो मेरी बेटी कैसी हो सकती है। हुजूर आप दरवाजा तो खोले, मैं आपकी बेटी हूँ। जैसे ही वो शख्स ने दरवाजा खोला तो देखता है कि सामने उसकी बेटी खड़ी है, जैसे उस शख्स ने दरवाजे को खोला तो देखता है कि उसकी बेटी सामने खड़ी है, सुभान अल्लाह सही सारी खड़ी है। वो शख्स ताज्जुब होता है और पूछता है बेटी तुम तो बीमार थी माजूर थी लाचार थी इतनी जल्दी तुम ठीक कैसे हो गए। तो बेटी कहती है, उस शख्स की बेटी कहती है कि हुजूर जब अब्बा हुजूर जब आप उस बच्चे का यानी उस लड़के का जिक्र कर रहे थे जो हमारे यहाँ पर मेहमान बना है
जब आपने उसका जिक्र खैर के मामले में किया, खैर के साथ उसका जिक्र किया, तो मैंने सोचा जब आपने इस बच्चे का खैर के साथ जिक्र किया तो गोया ये अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक महबूब बंदा होगा, क्योंकि ये नमाज भी पढ़ता है, रोजे भी रखता है, नफिल रोजी भी रखता है। तो मैंने सोचा बिस्तर पर पड़े पड़े मैंने सोचा कि क्यों ना इसके वसीले से मैं अल्लाह की बारगाह में दुआ करूं। तो अपनी दवा में अल्लाह की बारगाह में दुआ करती कि ऐ अल्लाह, अगर मेहमान तेरा महबूब बंदा है तो इसके वसीले से मुझे शिफा अता फरमा। ऐ अल्लाह, अगर ये नमाजी तेरा महबूब बंदा है तो इसके सदके तवस्सुल से मुझे शिफा अता फरमा। इतना कहना था कि उसके हाथ पीछे भी नहीं आए कि अल्लाह तबारक व तआला उस बच्चे के सदके तुफैल से, उस नमाजी के सदके तुफैल से, उस मेहमान के सदके तवस्सुल से अल्लाह ताला उस बच्चे को शिफा अता फरमा। तो मेरे प्यारे आका अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, वो शख्स कहने लगता है कि हुजूर ये सारा माजरा मेरे सामने पेश आया, मैं ताज्जुब होता हूँ। जैसे ही मेरी बेटी ने कहा कि उस बच्चे के वसीले से मैंने दुआ मांगी, तो मैं फौरन दरवाजा, तीसरा दरवाजा खोलकर देखने लगा कि उस बच्चे का मैं और ज्यादा खैर मकदम करूँ, उस बच्चे से मैं और ज्यादा मुलाकात करूँ, तो मैं दरवाजा खोलता हूँ कि वो बच्चा नजर नहीं आता। बच्चा चला गया था। हजरत मारूफ करके रहमतुल्लाहि तआला ने मुस्कुरा कर कहते हैं, बेशक मैं मान गया कि अल्लाह तबारक व तआला के वली औलिया इकराम छोटे भी हुआ करते हैं, छोटे बच्चे भी अल्लाह के वली हुआ करते हैं, सुभान अल्लाह। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये नमाज की मोहब्बत, ये नमाज की मोहब्बत थी कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसके वसीले से उसकी बेटी की दुआ को कबूल फरमाया। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे मेहमानों, हमें भी चाहिए कि वक्तों पर नमाज को हम कायम करें। मैंने एक हदीस पाक पढ़ी जिसमें मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, जब कोई बंदा वक्त पर नमाज पढ़ता है तो वो नमाज एक नूरानी शक्ल पर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में पेश होती है, और वो नमाज कहती है कि ऐ अल्लाह, इसने मुझे अपने वक्तों पर अदा किया, तू इसके घर में बरकत अता फरमा, तू इसके साथ बेहतरी का मामला अता फरमा। तो मेरे प्यारे आका अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इस बात से हमें पता चला, जो शख्स वक्त पर नमाज की पाबंदी करता है, उसके वक्तों पर नमाज की अदायगी करता है, तो वो नमाज नूरानी शक्ल में अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हाजिर होकर हमारे हक में दुआ भी करते हैं। और ये भी मजीद इरशाद फरमाया गया, अगर कोई शख्स उसके वक्तों पर नमाज की पाबंदी नहीं करता, वक्तों पर नमाज नहीं पढ़ता, नमाज को तर्क करता है या देर से पढ़ता है, तो वो नमाज, सारी नमाजें जो पढ़ा रहे है, वो सारी नमाजें एक सिया शक्ल इख्तियार करके आसमान पर बुलंद होती है, एक सिया शक्ल इख्तियार करती है। जब रोजे महशर का मामला होता है तो सारी नमाज सिया शक्ल पर बनाकर हमारे चेहरे पर मार दी जाती है। तो मेरे प्यारे आका अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हमें चाहिए कि वक्तों पर हम नमाज को अदा करें। तो आप इस बात से अंदाजा लगाएं, जो नमाज को ताकीद से पढ़ता है तो उसका मामला ये है, अगर कोई नमाज को ही तर्क कर दे, अगर कोई नमाज को ही छोड़ दे, फरमाया मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, जो शख्स एक वक्त की नमाज को जानबूझकर छोड़ता है तो उसका नाम जहन्नम के दरवाजे पर लिख दिया जाता है, जिससे उसे दाखिल होना लाजमी है। अल्लाह हू अकबर। अब आप अपने आमाल का मुहासबा करें कि आपने कितने औकात की नमाज को तर्क किया, कितने वक्तों की नमाज को हमने छोड़ा। आज आप देखें, वैसे भी माशाल्लाह नमाज की पाबंदी करते हैं, पांचों वक्त की नमाज की पाबंदी करते हैं, लेकिन फिर भी हमसे गुनाह सरजद होते जाते हैं, गुनाह पर गुनाह, ना हमसे गाली गलौज हमारी जबान से रुकती है, ना तो फहश कलिमात हमारी जबान से रुकते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान में ये भी फरमाता है, इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाई और बुरी बातों से मना करती है। लेकिन हम नमाज पढ़ने के बावजूद भी हमसे बेहयाई क्यों दूर नहीं होती, हमसे बुरी बातें क्यों दूर नहीं होती, हम गाली गलौज करना क्यों नहीं छोड़ते, गाना बजाना सुनना क्यों नहीं छोड़ते, नमाज तो पढ़ते हैं। जैसे ही मस्जिद के हम बाहर निकल गए तो हमारा मामला ही कुछ अलग होता है, टोपी को अपने सर से उठाकर पॉकेट में रख लिया, फिर अपने मामला भी दूसरे हो जाते हैं, गोया कि हमने नमाज को सिर्फ एक्सरसाइज समझा। कुछ लोगों का कहना ये भी है कि वो गैर कोप जो योगा करते हैं हमारे मुसलमानों का योगा है, माअल्लाह रब्बिल आलमीन। मेरे प्यारे आका अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, नमाज को एक्सरसाइज समझकर मत पढ़े, नमाज को अपनी आदत समझकर मत पढ़े, बल्कि नमाज को इबादत समझकर पढ़े। तो मेरे प्यारे आका अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, नमाज अफजलुल इबादात में से, नमाज क्या है, अफजलुल इबादात में से। मैं अपना एक वाकया बताता हूँ, मुझे एक साथी एक मरतबा भद्रावती में मिला, जब मैं खांस रहा था, बीमार था, तो कहने लगा कि क्या हालत आपकी खांसी अभी दूर नहीं, बहर कह मुझे ताबीज, वो कहने लगा कि मैं फलां दरगाह पे गया था, मुझे एक ताबीज मिली, ताबीज एक गेट पर बंधी हुई मिली, मैं उस ताबीज को लेकर रख लिया, ये ताबीज काम करती है क्या, ये ताबीज उस पर काम करेंगे। तो मैंने कहा, अपने बारे में कहा, चूंकि मैं बीमार हूँ, दवाइयां भी ले रहा हूँ,
लेकिन परहेज नहीं करता तो अल्लाह ताला ने मुझे शिफा अता नहीं की। दवाई के साथ परहेज लाजमी है, इसी तरह से तावीज के साथ नमाज भी लाजमी है। जब तक आप नमाज नहीं पढ़ेंगे तावीज काम नहीं करेंगे, जब तक आप परहेज नहीं करेंगे दवाई काम नहीं करेगी। तो मेरे प्यारे अकाली सलातो सलाम की प्यारे दीवानों, नमाज को छोड़कर जुमला जितने भी हम नवाफिल अदा करें, चाहे ये इज्तमाही खिमा हो, चाहे ये इज्तमाही खिमा हो, एक आपके मामूल के मुताबिक आप इज्तमा में हाजिर होते हैं। मुझे नहीं पता कि कोई नमाजी है कोई बेनमाजी, लेकिन अलबत्ता मैं ये कहूंगा कि आप साथ ही साथ इस महफिल में आप जमा हैं तो इंशाअल्लाह जो नमाजी है अपनी नमाजों को दुरुस्त करने की कोशिश करें, जो नमाज में ताकीर करते हैं या नमाज में कोताही या गफलत बरतते हैं तो यहाँ से ये इरादा करके उठें कि इंशाअल्लाह तबारक व तआला आज सिर्फ 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ उनके वक्तों पर सुन्नी इमाम के पीछे अदा करूँ, चाहे सहाबी जाऊँ इंशाअल्लाह नमाज की पाबंदी मस्जिद छुट्टी में इंशाअल्लाह तआला नमाज की अदायगी करूंगा। तो मेरे प्यारे आकाली सलातो सलाम के प्यारे दीवानों, नमाज के बहुत सारे फजाइल आए हैं, नमाज में बहुत सारे फजाइल आए हैं। नमाज के ताल्लुक से ये फरमाया जाता है जो शख्स नमाज की पाबंदी करता है अल्लाह ताला उसके चेहरे पर नूर अता फरमाता है, उसकी रोजी में बरकतें अता होती है, सुभान अल्लाह। और हुजूर अमीर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिनाल कोपा के इस्तेमाल में इरशाद फरमाया, जो शख्स असर की नमाज को तर्क करता है, नमाज असर जो छोड़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला उससे उसकी माल दौलत औलाद सब कुछ छीन लेता है। आप सोचते होंगे मैं असर की नमाज छोड़ रहा हूँ लेकिन मेरी माल भी मेरा माल भी महफूज है, औलाद भी महफूज है, सब कुछ महफूज है। इससे मुराद ये है कि औलाद है आपके पास लेकिन आपकी फरमा बरदार नहीं है, माल आपके पास होगा लेकिन उसमें बरकत नहीं होगी। तो मेरे प्यारे आकाली सलातो सलाम के प्यारे दीवानों, और कुरान मुकद्दस में ये भी फरमाया गया कि बीच वाली नमाज की हिफाजत करो, यानी असर की नमाज की हिफाजत करो। तो मेरे प्यारे आकाली सलातो सलाम के प्यारे दीवानों, आज नमाज का वक्त होता है, फजर की नमाज का वक्त होता है, नमाज फजर में सोते रहते हैं आराम से, जोहर की नमाज होता है। हम किसी को अगर कहें तो भाई नमाज के लिए चलो तो कहते हैं वक्त मिला तो हम नमाज पढ़ेंगे, मान लूंगा। मेरे प्यारे अकाली सलातो सलाम के प्यारे दीवानों, आप ही कहते हैं कि वक्त मिला तो पढ़ूंगा, क्या वक्त इस वक्त को देने वाला कौन है? बोलो ये वक्त देने वाला कौन है? अल्लाह ताला तुमसे वक्त को छीन ले तो आप कहां जाओगे? मर जाएंगे, मिट जाएंगे हम लोग। अल्लाह तबारक व तआला अगर ये वक्त की नेमत को हमसे छीन ले तो हम जिंदा नहीं रह सकते। ये अल्लाह ताला ने हमें वक्त दिया है, ये नेमत है। किसी ने पूछा कि सबसे दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है, तो फरमाने लगे कि वक्त। सबसे कीमती चीज क्या है? वक्त। तो उन्होंने पूछा कैसे, जबकि सोना कीमती है, चांदी कीमती है, रुपया कीमती है। तो उन्होंने कहा कि अगर सोना गुम हो जाता है तो इसको दोबारा कमा सकते हैं, अगर दौलत चली जाती है तो दोबारा हासिल कर सकते हैं, लेकिन गया हुआ वक्त कभी हम इतने करोड़ों रुपए देकर भी उसको हासिल नहीं कर सकते। अब आप बताओ मगरिब की नमाज, अगर किसी ने मगरिब की नमाज तर्क कर दी, क्या करोड़ों रुपए देने के बाद भी वो मगरिब की नमाज का वक्त वापस ला सकते हैं? नहीं ना। तो इससे हमें पता चला कि वक्त सबसे कीमती है। इसलिए मेरे प्यारे आकाली सलातो सलाम के प्यारे दीवान, अल्लाह ताला कुरान मुकद्दस में ये भी इरशाद फरमाता है, नमाज को उनके वक्तों पर अदा करो, नमाज को उनके वक्तों पर अदा करें। इससे मुराद यह है कि जमात के साथ नमाज अदा करें। मेरे प्यारे आकाली सलातो सलाम के प्यारे दीवानों, फरमाया गया जो शख्स नमाज फर्ज बाजमात अदा करता है, बाजमात अदा करने के बाद उसी मुसल्ले पर थोड़ी देर बैठे रहता है, बैठने के बाद जैसे उसने सलाम फेरा, सलाम फेरने के बाद थोड़ी देर बैठकर आयतन कुर्सी उसने पढ़ी, बोलो सुभानअल्लाह। फर्ज नमाज के बाद अगर कोई शख्स अपनी जगह पर बैठकर आयतन कुर्सी को पढ़ता है तो फरमाया गया कि उसका एक पैर दुनिया पर होता है और दूसरा पैर जन्नत में होता है। एक पैर उसका दुनिया पर होता है और दूसरा पैर उसका जन्नत में हुआ करता है। मेरे प्यारे आकाली सलातो सलाम के प्यारे दीवानों, और मजीद इसके हवाले से ये भी इरशाद फरमाया गया, जो शख्स नमाज फर्ज के बाद उसी जगह पर बैठकर ना अपने रुख को चेंज करते हुए बल्कि किबले की जानिब होकर आयतुल कुर्सी को पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी रोजी में खूब खूब बरकतें अता फरमाता है। और ये भी मजीद इरशाद फरमाया गया, जब तक उस जगह पर वो बैठे रहता है तो अल्लाह तबारक व तआला के मासूम फरिश्ते उसके हक में मगफिरत की दुआएं भी करते हैं, उसके हक में मगफिरत की दुआएं भी करते हैं। तो मेरे प्यारे आकाली सलातो सलाम के प्यारे दीवानों, अल्लाह तबारक व तआला ने इतने सारे फजाइल हमारे लिए रखे हैं, तो बताएं अगर हम नमाज नहीं पढ़ेंगे तो कौन पढ़ेगा? क्या नमाज हम पर फर्ज नहीं? अल्लाह तबारक व तआला ने ये नहीं कहा कि ऐ मुसलमानों तुम पर नमाज फर्ज है, बल्कि यूं इरशाद फरमाया कि ऐ ईमान वालों तुम पर नमाज फर्ज है। अगर हम ईमान वाले समझते हैं अपने आप को तो हमें चाहिए कि नमाजों की पाबंदी हम लाजमी करें। नमाज की पाबंदी क्या है? लाजमी करें। तो मेरे प्यारे आकाली सलातो सलाम के प्यारे दीवानों, नमाज की पाबंदी
हमें बेहद लाजमी है, हमें नमाज को तर्क नहीं करना चाहिए। इतनी महफिलें करते हैं, इतने इस्तेमाल करते हैं, इसके बावजूद भी अगर हमारे अंदर कुछ चेंजेस नहीं आए तो ये सारी महफिलों को करना मैं समझता हूँ कि बेकार है। अब नाराज ना हो, अब इस बात को अपने ज़हन और तसव्वुर में लाएं, ज़हन और फिक्र में लाएं कि इतनी महफिलें हम करते हैं लेकिन नमाज की पाबंदी या दूसरे मामला या दूसरे सुन्नतें हैं। मैं आपको एक चुपती हुई बात कहता हूँ कि आपसे मैं गुजारिश करता हूँ कि इतने सालों से मैं अपने इज्तिमा में आते हैं लेकिन कुछ लोगों की हालत वैसी की वैसी है। मैं चाहता हूँ कि आप अपने अंदर चेंजेस लाएं। मैं चाहता हूँ चूंकि आप माशाल्लाह अच्छे अच्छे बिजनेसमैन हैं, आपका खुद का कारोबार है, ना तो आप किसी के मुलाजिम हैं ना किसी के पास काम करते हैं। जो काम करते हैं अल्लाह तबारक वताला का खूब मजीद बरकत अता फरमाए। जो खुद मुख्तार है अल्लाह तबारक वताला ने उनका खास कारोबार उन्हें अता किया है। तो मैं चाहता हूँ कि आप सुन्नतों की पाबंदी करें, चेहरे पर सुन्नतों को छोड़ें, चेहरे पर दाढ़ी सजाएं। इतने साल से हमारे आप आते हैं, हमें कुछ हदीयतन और फतन भी देते हैं लेकिन यहाँ से जाने के बाद आप ये ना समझे कि हम खुश होकर चले जाते हैं। लेकिन कभी कभी ये महसूस होता है यार सालों से हम यहाँ पर आ रहे हैं लेकिन कुछ चेंजेस नहीं। एक भी ऐसा बंदा नहीं जो हमारे सामने अमामा बांधकर यहाँ पर बैठे। हम ये नहीं कह सकते कि कोई एक्चुअल मेंबर सुनी दाऊद इस्लामी का यहाँ पर। मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पर मुहिबीन है, चाहने वाले हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप खुद एक दाईए दीन बने। कोई हम ये भी कहें कि हाँ माशाल्लाह एक एक्टिव मुबल्लिग है जो माशाल्लाह दर्स भी देते हैं, नाम भी पढ़ते हैं, कुरान शरीफ की तिलावत भी करते हैं। हम ये कह सकें इतने सालों से आप तो माने या ना माने, हम जब यहाँ पर आता हूँ तो कुछ लोग बहुत सारे पूछते हैं कि इतनी मरतबा माशाल्लाह बाड़े हम लोग जाते हैं क्या वहाँ पर कोई मुबल्लिग भी है। मैं कहता हूँ सारे के सारे मुबल्लिग हैं माशाल्लाह। जैसे आप समझ चूंकि मुबल्लिग का मतलब सिर्फ ये नहीं कि वो अमामा बांधकर जुबा पहनकर बैठे बल्कि कि जो नेकी की दावत दे और बुराई से मना करे वो मुबल्लिग है। जो नेकी की दावत दे और बुराई से मना करे वो मुबल्लिग है। अब हमने ही देखा यहाँ पर हम आने से पहले कुछ लोग थे तो कुछ लोगों ने फोन किया तो उन्हें नेकी की दावत दी ना, तो ये मुबल्लिग का काम है। हम चाहते हैं कि आप बासलाहियत मुबल्लिग बने। हम चाहते हैं कि आप बोलने वाले मुबल्लिग बने। आप हर बार ऐसा ना हो कि सिर्फ आप सुनने वाले बने। हम चाहते हैं कि आप एक वेल ट्रेन एक अच्छे खासे मुबल्लिग बने। इंशाल्लाह कभी ऐसा भी मौका आए कि आप बोले और मैं यहाँ पर बैठ के सुनूं, आप बोले मतलब मैं यहाँ पर बैठ के सुनूं। कभी ऐसा हो कि अमीर भाई भी एक मतलब अगर से मैं भी बैठ के सुनूं, कभी शाहजेब भाई यहाँ पर बैठे कभी मैं बैठ कर सुनूं। ऐसा होना चाहिए, थोड़ी बहुत तरबियत हमें भी सीखनी चाहिए, हमें भी मुबल्लिग बनना चाहिए। इंशाल्लाह बनेंगे ना इंशाल्लाह। सालों से आप मेहनत कर रहे हैं माशाल्लाह। मैं जानता हूँ कि आप बुनियादी काम पर फोकस कर रहे हैं यानी स्कूल से नर्सरी है इस पर आप फोकस कर रहे हैं। लेकिन मेरे प्यारे आका ने सलातो सलाम की प्यारे दीवानों जब तक हम अपने आप को नहीं बदलेंगे माहौल को भी नहीं बदलेंगे। हम पहले इंशाल्लाह तबारक वताला अपने आप पर मेहनत करेंगे उसके बाद इंशाल्लाह तबारक वताला आप देखें कि अल्लाह तबारक वताला इसकी बदौलत ऐसी बरकत अता फरमाएगा कि सारे रास्ते हमारे लिए खुलते जाएंगे इंशाल्लाह। करेंगे ना इंशाल्लाह। नमाज के हवाले से बस चंद ही बातें मैंने आपको बताया। इंशाल्लाह तबारक वताला कभी मौका मिले तो फिर इसे इंशाल्लाह मैं कंटिन्यू करूंगा। और बहुत सारे फजाइल हैं, हुज़ूर दिन के अकवाल हैं, नमाज के वाकियात इंशाल्लाह तबारक वताला आपके सामने मैं बयान करने की कोशिश करूंगा। अब इंशाल्लाह ताला एक मिनट में अजान होगी, अजान के बाद फिर एक नाथ में इंशाल्लाह तबारक वताला दुआ दुआ के अंदाज में एक नाथ पढ़ेंगे फिर जिक्र कंटिन्यू करेंगे। अमल करते हो तो सुरत तक पहुँचाने के आपको छोटी बताया।